दिन गुजर गया, पड़ी सो रही हो क्या? है सोने दे। हानिया, मैंने तुमसे यूनिवर्सिटी से छुट्टी कराई थी काम के लिए, सोने के लिए नहीं, समझी तुम? चलो उठो। अरे कब से दोनों बहनें सफाई में लगी हुई हैं? उठो, उनका हाथ बटाओ जाके, कोई काम नहीं करती हो तुम। अरे प्लीज रहम करें, प्लीज सोने दे, नहीं होती मुझे सफाई। हानिया कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो उठो जल्दी से बाहर आओ। हानिया उठ जाओ। क्या यार, क्या अच्छा ख्वाब देख रही थी। अबीहा ये देखो, ठीक है जी? आपी सीधी है, बिल्कुल ठीक है। वैसे आपी ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं जो अम्मी हमसे इतनी ज्यादा सफाइयां करवा रही हैं? तुम्हें तो पता ही है ना अम्मी का, जब भी किसी रिश्ते वाले मेहमान ने आना होता है अम्मी के सर पर सफाई का खत सवार हो जाता है। तो सारे काम हम दोनों ही क्यों करें? वो हानिया मैडम किस खुशी में सो रही है? अच्छा ये है कि वो सो रही है, अगर जाग रही होती ना तो हमारा काम कम करने के बजाय और बढ़ा रही होती। ये सही है, वो मैडम फोड़ बनकर सारा दिन सोती रहे और पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों पर आ जाए। आप देख लेगा आप ही, आइंदा मैं भी कोई काम नहीं करने वाली हूँ। बस क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों? गर्मी है तो इस घर में, इतनी गर्मी है, ऊपर से हर दो घंटे बाद लाइट चली जाती है। ये भी कोई जिंदगी है? इससे बेहतर है बंदा सुसाइड कर ले। हानिया इतनी नाशुक्री की बातें मत किया करो। अशफाक साहब कहते हैं नाशुक्रापन जो है ना रूह की बीमारी होता है। माय गॉड प्लीज अपने अशफाक अंकल और बानो आंटी की बातें मुझे मत सुनाया करो। इस घर में शुक्रगुजार होने के लिए है क्या? हाँ जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको एक जबरदस्त सा बंगला हो, एक अच्छी बड़ी सी गाड़ी हो, वॉलेट में नोट्स और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह हो, फिर मजा आए ना। और तुम लोग देख लेना, एक ना एक दिन ना मैं भी मजे की जिंदगी जीऊंगी। हानिया क्या कर रही हो? मैंने इतनी मुश्किल से भी टेबल साफ किया है। हाँ तो फिर साफ कर लो। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि हर काम दोबारा करूं। पैर हटाओ। मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें पता है मुझे गर्मी लग रही है, रहम करो जरा। ठीक है तो फिर खुद साफ कर लेना। सुनो एक एडवाइस दूं तुम्हें, अगर तुम घर चमकाने की बजाय अपनी शक्ल चमका लो ना तो शायद तुम्हें कुछ फायदा हो। मुझे तुम्हारी तरह इतनी चमक दमक का शौक नहीं है। फिर तो वही होगा ना जो हमेशा होता है, लोग आएंगे तुम्हारी शक्ल देखेंगे, तुम्हारे इस चमकदार सलीके की तारीफ करेंगे, अम्मी के खाने की तारीफ करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे और मुड़के भी तुम्हें नहीं देखेंगे। हानिया बिहेवियर से ज्यादा हो गया है। सही तो कह रही हूँ, अगर घर चमकाने से किस्मत चमक रही होती तो आज आप मोहतरमा अपने खुद का घर चमका रही होती। मेरी शादी हो या ना, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे ही तो प्रॉब्लम है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती मुझे भी घर बैठना पड़ेगा। जब भी कोई मेहमान आते हैं मुझे इस घर में कैदियों की तरह एक कमरे में बंद होना पड़ता है ताकि वो मुझे पसंद ना कर लें।
It's not fair. जब तुम इस घर से जाओगी तभी मैं जा सकूंगी। तो फिर ठीक है, एक काम करो, इस दफा कमरे में छुपने की जरूरत नहीं, और अगर उन लोगों को तुम पसंद आ जाती हो तो पहले तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो आप किस खुशफहमी में मुब्तला हैं? आपको लगता है कि मैं आपके बुढ़ापे का वेट करूंगी? जैसे ही कोई अमीर अच्छा लड़का मुझे पसंद आ जाएगा ना, मैं शादी कर लूंगी, मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी। डोंट वरी, मैं खुद ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। सीरियसली? तो फिर ठीक है, तुम याद रखना, तुम मेरी शादी खुद करवाओगी। शेक ऑन इट। हाँ, खुद ही कह के गई है। इतनी गर्मी में कोई चाय पीता? अब मेरे लिए नींबू पानी बना सकती हैं? ये लो, टेबल साफ करो। बुलाया था बेटा आपने? इफ़त भी आली और उसकी बेटियों के गिफ्ट तैयार हैं? सब तैयार है बेटा। ठीक है, जाते हुए गाड़ी में रखवा दीजिए। आप फिक्र ही ना करें। एक बात पूछनी थी, इस सब बार में आके लिए लड़कियों की क्या कमी है जो आप आलिया बेगम की बेटी देखने जा रही हैं? वो तो हमसे हैसियत में भी कम है। जवार की जिद है इफ़त पे। क्या? जवार मियां की जिद? अम्मी, क्या बना रही हैं? ये मेहमानों के लिए है। तुम्हें अगर कुछ खाना है तो दाल रखी हुई, गर्म करके खा। बिरयानी? मेहमानों के लिए इतने मजे की बिरयानी बनाए और मैं कल की दाल? ना बाबा, मुझे तो अभी चाहिए कबाब। मेहमानों के जाने के बाद खा लेना, ये अभी मैं किसी को नहीं दे रही। कितने लोग आ रहे हैं? दो। मैं क्या बात कर रही हूँ, दो लोगों के लिए इतना सारा खाना वो कहाँ खाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे अभी चाहिए। हानिया, सबर नहीं होता तुमसे? क्या कह रही हूँ मैं, रखो वापस। मम्मी, मेरी पसंद की चीज मेरे सामने है, कबाब बिरयानी में कैसे सबर करूं? नहीं होता मुझसे। एक काम करें, पीसी में ना कुकिंग का कोर्स हो रहा है, उसके पैसे दे दें, फिर देखें मैं कितने जबरदस्त खाने बनाती हूँ आपके लिए। अरे एक बात बताएं, मंतशा के लिए हर वक्त रिश्ते आ रहे होते हैं, आज इतने स्पेशल ट्रीटमेंट अरेंजमेंट क्यों? कौन आ रहा है? हाँ, शाइस्ता आ रही है। शाइस्ता कौन? शाइस्ता मेरी खालाजाद बहन है, बहुत अरसे पहले अमेरिका शिफ्ट हो गई थी लेकिन अब वापस आ गई है। बस अल्लाह करे कि मेरी मंतशा उन लोगों को पसंद आ जाए। पाकिस्तान के रिश्तेदारों ने अभी तक उसको घास नहीं डाली, अमेरिका वाली आंटी उसको पसंद कर लेंगे, है ना? अभी कमाल करती हैं, वैसे बेकार की मेहनत। काम करें, मुझे बिरयानी डाल देंगे? दो कबाब। हानिया, thank you.
ये लो बेटा तुम्हारी पसंद का दलिया और ले आई है। थैंक यू। It's okay, Fatmi. Zawar, बेटा कुछ और खा लो, छोड़ दो इसे। नहीं मामा, टेस्ट अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंस आया। I really like it. जीते रहो। कभी कभी तो मुझे हैरान कर देते हो। It's okay, मामा, इसमें हैरानी की क्या बात है? Excuse me. अलमारी की हालत किसने की है? और कौन कर सकता है सिवाय हानिया मैडम के? हानिया, ये क्या किया तुमने? क्या किया? कैच करो। क्या? ओह, हाँ, मैं पिंक ड्रेस ढूंढ रही थी, मुझे वापस चाहिए। जब तुम्हें हर चीज वापस चाहिए होती है तो तुम देती क्यों हो? क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ। ओह माय गॉड मंतशा, मेरे इतने अच्छे सूट का तुम्हें क्या हाल किया? मतलब वारिसों की तरह फेंका है, ये तय करके मुझे वापस कर दो। यू आर सो मीन हानिया, हर थोड़ी देर बाद तुम अपनी चीज देती हो और फिर कुछ अरसे बाद तुम्हें वापस ले लेनी होती है। हाँ तो मेरी चीज है, मेरी मर्जी। कभी कभार अपनी दी हुई चीजें वापस नहीं ली जाती है। मुझे पता तुम आज क्या पहन रही हो। पता नहीं, कुछ भी पहन लूंगी। एक काम करो, मेरा ये वाला सूट पहन लो, मैं वैसे भी इस कलर से बोर हो रही हूँ, तुम पे सूट करेगा। बिल्कुल मत लीजिएगा आप ही, अभी आपको दे रही है ये, कुछ अरसे बाद ये भी वापस ले लेगी। खुदा के लिए तुम चुप कर सकती हो? बहुत ब्राइट नहीं है? हाँ तो अच्छा लगेगा। यार तुम्हें किस चीज का कॉम्प्लेक्स है, सूट करेगा तुम पे। तुम अपने आप को मुझसे क्यों कंपेयर करती हो? तुम भी अच्छी खासी हो, मतलब अपने तौर पे तुम खूबसूरत हो, तो पहन लो, जरा अपने आप को ब्राइट रखो। अशफाक साहब कहते हैं कि इंसान का बाहरी जिस्म जितना खूबसूरत है ना, उससे चाहिए कि उसका अंदर भी उतना ही खूबसूरत और उजला हो। और हानिया कहती है कि अबीहा को हर हाल में चुप रहना चाहिए। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, ये तो अशफाक साहब कह रहे हैं। डोंट टेल मी, तुम ये पहन रही हो? वो लोग अमेरिका से आ रहे हैं, किसी पुराने जमाने के देहात से नहीं। क्या बुराई है इसमें? आंटी लगोगी, वो लोग देखते ही रिजेक्ट कर देंगे तुम्हें। हानिया, सोच समझ के बोला करो, जब देखो बुरी फाले निकालती रहती हो। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हमेशा बिना सोचे समझे हर चीज कह जाती है ये तो। मैं तो सिर्फ मशवरा दे रही थी, अल्लाह माफ करे, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ठीक है, मैं खुद ही पहन लूंगी, अच्छी लगूंगी, तुम लगना आंटी। वाह शाइस्ता, माशाल्लाह, जवान ने क्या खत कार्ड निकाला है, ये तो बिल्कुल ही बदल गया। जाहिर सी बात है, इतना वक्त जो गुजर गया है, चेंज तो आना ही था। अरे कहाँ गुजर गया वक्त, अभी कल की बात है जब हमारे यहाँ आया था, इतना सा था, और अब देखो
माशाल्लाह माशाल्लाह, उतना ही सोबर है जैसे पहले था। अल्लाह बस बुरी नजर से बचाए। बेटे आजकल क्या मसरूफियत है आपकी? बस अंकल, जब से बिजनेस यूएसए से पाकिस्तान में शिफ्ट की है, मसरूफियत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। एक्चुअली मैं यहाँ के सिस्टम को भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा, अब तुम्हारा अमेरिका वापस जाने का इरादा नहीं है? आंटी, मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ और यही बिजनेस करना चाहता हूँ। जवार की ख्वाहिश पर ही हम परमानेंट पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। चलो ये तो अच्छी बात है। आजकल लोग तो मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कोई तो है जिसे अपने वतन का ख्याल है। बच्चे नजर नहीं आ रही। हाँ, मैं बुला के लाती हूँ। मंतशा, तैयार हो के चलो, बाहर मेहमान आ गए। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? इस तरह से जाओगी उनके सामने? अम्मी ठीक तो है। अच्छा चलो, लिपस्टिक की डार्क कर लो थोड़ी सी। अम्मी प्लीज, आप कब तक मुझे ऐसे तैयार करवा कर लोगों के सामने पेश करती रहेंगी? मैं भी इंसान। क्या करें बेटा, दस्तूर ही है दुनिया का, लोग जाहिर को देखते हैं बस। लेकिन अम्मी मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। मैं इस तरह हर ऐरे गैरे के लिए तैयार होकर नहीं बैठ सकती। प्लीज मुझे ऐसे ही रहने दो। मंतशा, खुदा के लिए मुझे शाइस्ता के सामने शर्मिंदा मत कराना, समझ गई? चलो जल्दी से तैयार होके आओ। आप क्या करती हैं? ये हर वो काम करती है जिसे दूसरों को खुशी मिले। और आप क्या करती हैं? मैं हर वो काम करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। अंकल, अगर आप इजाजत दें तो मैं मंतशा को कल अपने साथ लंच में लेके जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि किसी भी फाइनल डिसीजन से पहले मैं मंत्रशा से कुछ बात कर लूं। ये रिश्ता भी हाथ से गया, बाबा तो मैं कभी नहीं जाने देंगे। हाँ ठीक है, हमें कोई इतराज नहीं है ना। लेकिन मुझे एतराज है। आपको मुझसे जो कुछ भी बात करनी है आप यही कर लें सबके सामने। लेकिन एक मीटिंग में हर्ज तो नहीं है? हाँ, मेरे ख्याल से शायस्ता बिल्कुल ठीक कह रही है। आंटी, मेरा आपके बेटे से अभी तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं इनके साथ कहीं अकेले बाहर जाऊं। ठीक है मामा, इसमें इट्स ओके।
अगर वो नहीं जाना चाहती तो मेरा आपके बेटे से अभी तक कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि मैं इनके साथ कहीं अकेले बाहर जाऊं। आ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं मामा? कुछ नहीं। कैसी लगी आलिया की फैमिली तुम्हें? अच्छी फैमिली है, सिंपल से लोग हैं। ऐसी फैमिली में शादी करना चाहते हो ना तुम? जी ठीक है, मैं कुछ देर आराम कर लूं। मंतशा के बारे में नहीं पूछेंगे आप? जरूरत नहीं। आई कैन सी दैट ऑन योर फेस। ओके मामा, गुड नाइट। मंतशा, तो मुझे एक बार बता दो, तुम्हें शादी करनी है या नहीं, ताकि मैं रोज रोज लोगों को बुलाकर उनकी बेइज्जती ना करवाऊं अपने घर में। अम्मी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तुमने जवार को मना क्यों किया? अम्मी छोड़े ना ये बातें, ये चीजें चेक करें। एक परफ्यूम कोई कम अज कम 16,000 का है। आई थिंक यहाँ पे लाख तक की चीजें हैं। इस बारे में तो तुम्हारे अशफाक साहब कुछ नहीं कहते ना? अब रहने दे इस बात को। अब ये क्यों बच्चे के पीछे पड़ गई? सच पूछें तो ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी। अम्मी, अगर आप उन लोगों को खुद मना कर देती ना, तो मुझे ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने उसे इजाजत दी क्यों? अच्छा, जवार को मना कर देती और बाहर जो रिश्तों की एक लाइन लगी हुई है उनमें से किसी एक को चुन के तुम्हारी शादी उससे कर देती, है ना? आप फिक्र न करें आलिया, बच्चियों के नसीब में जिस शख्स का साथ लिखा होता है वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अल्लाह उसे खुद माँ बाप के घर के दरवाजे पे ले आएगा। जी हाँ, और इस जैसी लड़कियां उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देती हैं। आप नहीं समझेंगी इस बात को। मंतशा बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो बेटा। मुझे भी चाय पीनी है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया और इन बाप बेटी को जरा भी एहसास नहीं। एक मैं ही पागल हूँ। ओफ अम्मी, अब जो होना था वो तो हो गया ना, इस तरह फजूल में टेंशन लेने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? अच्छा मुझे बताएं, मंतशा तो नहीं लगाएगी दोनों, मैं कौन सा वाला रखूं? क्या सोचती होगी शाइस्ता, मेरी तो समझ में नहीं आता। कुछ भी नहीं सोचती होगी, मैं भी तो उसके साथ ही बैठी हुई थी ना, किसी ने कुछ नहीं सोचा होगा। रिलैक्स। कैसे क्या देख रही हैं? अच्छा अच्छा, तुम जल्दी जल्दी ये सामान समेटो। अम्मी उसे कहना मैं गिफ्ट खोल रही हूँ। या अल्लाह, क्या होगा इन लड़कियों का? इसके नखरे नहीं खत्म होते, उसके तमाशे नहीं खत्म होते, क्या करूंगी मैं?
आपा का फोन आया था, बहुत खफा हो रही थी, अजीब अजीब बातें कर रही थी। कहने लगी हम लोगों ने उन्हें बताए बगैर मंतशा का रिश्ता कर दिया। मैंने कहा भी कि आपको गलतफहमी हुई है, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं मेरी। तो बता दिया होता ना कि अभी तो सिर्फ रिश्ता आया है। वैसे उन्हें पता कैसे चला इस बारे में? अभी ने कहा होगा फाइज से, फाइज ने कह दिया अपनी अम्मा से। वो तो अजीब अजीब बातें कर रही थी मुझसे। शाइस्ता को उन्होंने इतना बुरा भला कहा, कह रही थी कि बाहर वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनका कुछ पता नहीं होता वगैरह वगैरह। अरे वो यूं ही कह रही होंगी, बल्कि समझा रही होंगी। अब देखो ना, रिश्ता अपने जैसों में ही हो तो अच्छा लगता है। आप भी कमाल की बातें करते हैं भाई, वो कोई गैर थोड़ी है, मेरी अपनी बहन है। कमाल है भाई। आ जाए अभी, हाँ कैसे खबर लेती हूँ मैं उसकी। थैंक यू आपी, नो प्रॉब्लम। वैसे आपी अम्मी इतने गुस्से में क्यों हैं? उन्हें मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दे रही। क्योंकि कल हमारी बहन ने फखरिया कारनामा अंजाम दिया था। तुमसे किसी ने पूछा है? नहीं। तुम गुस्सा क्यों करती हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हारे ही बिलीफ है ना, तो मैं अपनी राय दे सकती हूँ। अभी हमारी प्यारी सी बहन को समझाओ कि अगर ये अपने प्रिंसिपल्स के तहत चलती रही ना, तो हमारी शादियां कभी नहीं होंगी। अशफाक साहब कहते हैं, जिस कदर कोई शख्स खुद को बदलने से कासिर होता है ना, उस कदर वो दूसरों को बदलने पर जोर देता है। सॉरी, ये कुछ बोल रही थी, मैं सो गई। जब तक इसकी शादी नहीं होगी ना, हमारी भी नहीं हो सकती। और फिर तुम पता क्या करना, सारी उम्र यहाँ बैठ के अशफाक अहमद और बानो कुत्सिया पढ़ती रहना। तुम शायद भूल रही हो हानिया, मेरी शादी का तो कोई मसला ही नहीं है। तो फिर मैं ही रह गई हूँ। थैंक यू। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ है अम्मी? कहाँ? वो तो दोपहर में चली गई थी। दोपहर में चली गई थी? हाँ, अंदर आ। अच्छा चलो, खैर मेरा आना बेकार नहीं हुआ। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख के दिल बहुत खुश होता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। क्यों, उन चेहरों पे जोक्स लिखे हुए होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन चेहरों के साथ आपका एक खास कनेक्शन होता है। अंदर चलो, मैं चाय बनाती हूँ। चलो। नहीं, मुझे चाय की जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत। और अंदर जाके क्या करना है यार, प्राइवेसी होगी नहीं, यहाँ पे खड़े रहते हैं, बातें करते हैं खूब सारी। फाइज प्लीज। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे तुमसे दूर जाना हो तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मेरा रिएक्शन कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ, तुम क्या समझ रहे थे तुम्हारी जुदाई में मैं बहुत अफसोस करूंगी, बहुत आंसू बहाऊंगी? देखो फायस, अभी हमारी सिर्फ मंगनी हुई है ना, शादी तो नहीं हुई है, पर इतने से टाइम में तो इतना ही रिएक्शन बनता है। सुनो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा तो पहले ये बताओ तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? अम्मी चाहती कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ। अच्छा तुम क्या चाहते हो? तुम्हें चाहती, तुम्हारा साथ चाहता, हर वक्त हर जगह तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कैद करके रखा है। कैद साहब कहते हैं मोहब्बत आजादी है, मुकम्मल आजादी।
जो भी शख्स मोहब्बत की डोर से बंधकर उसका असीर हो जाता है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। फाइज, मैं कैद नहीं करती, आजाद करती। अंदर चलो, चाय बनाओ। सुनो, क्या तुम आजाद हो? हाँ, लेकिन जमानत पर, तुम्हारी मोहब्बत की जमानत पर। तो फिर मैं क्या करूं, चला जाऊं या यहीं खड़ा रहूं तुम्हारे इंतजार में एक टांग पर? नहीं, तुम्हारे भी मामू का घर है, अंदर आ जाओ। मामू, उन्हीं के लिए तो आता हूं यहां मैं, बहुत मिस करता हूं उन्हें मैं, सारा सारा दिन, सारी सारी रात। लेकिन तुम कौन हो, तुमने अपना तारुफ नहीं कराया। अरे दो घड़ी सुकून के नहीं लिखे मेरी किस्मत में, अब बेटियों की शादी की टेंशन खाए ले रही है मुझे। वो तो है, फिक्र कैसे ना करूं भाई। हाँ अम्मी, क्या चल, सो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मौसम का भी कुछ ठीक नहीं है, लगता है बारिश आने वाली है। बेटियों की किस्मत भी मौसमों की तरह है, कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। वो शाइस्ता का फोन आया था, वो हमारे घर से रिश्ता जोड़ना चाहती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो खुशी की बात है। आप खामोखा मंतशा से नाराज थी। कमाल, वो जब्बार का रिश्ता मंतशा से नहीं, हानिया से करना चाहती है।